आप आ गए मेरे पास, लेकिन मैं बहुत ही जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। क्या आप पहचान पा रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ काम? अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैंने कुछ नया किया है, पैसे बचाने की भी कोशिश की है। तो आप देखिए मेरे हाथ में क्या है। इससे मैंने अपने सिंक को बहुत साफ किया है और इसी से मैं बर्तनों को बड़े अच्छे तरीके से रगड़ के साफ कर रही हूँ। ये मेरे हाथों को भी आराम दे रहा है और बर्तनों को भी, नॉन स्टिक बर्तनों पे भी कोई निशान नहीं छोड़ता। चलिए मैं बताती हूँ ये है क्या। अब देखिए ये है ग्रीन तोरू, जिस एक तोरू की हम सब्जी बना के खाते हैं वही पकने के बाद ऐसी हो जाती है। तो ये चार तोरू है जो बिल्कुल सूख चुकी है और एक है गिल्ली को मैंने साइड रख दिया है। और ये चार है जो पक गई है ना, सूखी पड़ी है, इसके अंदर बीज है, बाहर इसकी हार्ड लेयर है। तो मैं चाकू से आगे पीछे से पहले इसको काट दूंगी और फिर चाकू से लंबी हम इसको क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे और फिर इसका छिलका जो है ना वो बिल्कुल पूर्ण रूप से अलग हो जाएगा। और इसके अंदर से ना एक लूफा, यानी कि जो हमारा जूना होता है बर्तन साफ कर लेगा, नहाने का जो लूफा होता है ना, इस तरह का निकलेगा। तो आप फ्री में ही बहुत सारे लूफा और बहुत सारे जूने बनाकर तैयार कर सकते हैं। नॉन स्टिक बर्तनों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, वो कभी भी आपके नॉन स्टिक खराब नहीं होंगे। और जब आप नहाएं तो हाथ पैर धो के इससे देखिएगा, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो इन सबको तोड़ के मैं तैयार कर लूंगी और जैसे ही आप आगे से काटेंगे ना तो इसमें बहुत सारे बीज निकलेंगे, उन सारे बीजों को हम इकट्ठा कर लेंगे, बीज किसी को दे देंगे, जिसको भी जरूरत होगी वो अपने इधर उधर इनको लगा लेंगे, उससे बहुत सारी तोरी होंगी। इसीलिए कहते हैं ना, खेत है वो हमारा बहुत बड़ा बैंक है, एक दाना डालते हैं तो उसके बदले में हमें हजार दाने देता है। देखिए ना तोरू से कितने बीज निकल गए। इसी तरह मैं सारी तोरू को कट करके इनके अंदर जो लूफा है वो निकाले लूंगी। हाँ, आप मुझे ये कमेंट्स में जरूर बताइए, क्या आप आज से पहले आपने ये ट्रिक कभी अपनाई है? क्या आपने किसी को देखा है कि इस तरीके से इससे नहाने के लिए या बर्तन धोने के लिए किसी ने लूफा तैयार किया हो? ये मुझे कमेंट्स में बताएं। क्या मेरे से पहले आप लोग जानते थे? मेरा तो एक दिन वैसे ही दिमाग चल गया कि ये चीज़ क्या है, तो क्यों ना इसको इस्तेमाल कर लिया जाए। तो मैं मेरी फ्रेंड के पास एक बार गाँव में गई थी, तो उनके घर पर बहुत लटक रही थी, तो मैं उनसे लेके आई कि ये आप मुझे ज़रूर तोड़ के दे दीजिए। और उनको भी बता के आई मैं कि आप इसको इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं धीरे धीरे, देखिए मैंने चारों के ये छिलके हटा दिए, बीज निकाल दिए, इस तरीके से मैंने तैयार कर लिया। आप इसे ना टाइल्स साफ करेंगे तो टाइल्स भी बड़े अच्छे से साफ होती है। तो इस तरीके से निकाल लिया और ये गिल्ला है, इसको मैं साइड रख दूंगी, एक दो महीने बाद सूख जाएगा तो हम इसका भी क्या करेंगे, लूफा बना के तैयार कर लेंगे। इस तरीके से महिलाएं जो घर में रहती है ना, वो बहुत सारे छोटे छोटे कामों से नए तरीके से काम कर सकती है। अब ये मैंने पानी में भिगो के रखा था, ये एक दो बार इसको धो लिया, शुरू में ना पड़ता है, बहुत साफ हो जाता है। अब देखिए आप हाथ से रगड़िए, बिल्कुल भी आपको हार्डनेस नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और इसे आप बर्तन भी बड़े अच्छे तरीके से साफ कर सकते हैं। हाँ, मैंने ये आपको ट्रिक बताई है, क्या आपको पता था, यस या नो, ये कमेंट्स में बताइएगा। और आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मेरे साथ आप बने रहे, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और इस तरह की ट्रेडिशनल चीज़ों का, प्रकृति के द्वारा दी हुई चीज़ों का आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा और इससे हो सकता है कि आने वाले समय में मार्केट में इसकी वैल्यू भी हो जाए। आप इसको दूसरे लोगों को शेयर करके जरूर बताइएगा, बहुत ही काम की चीज़ है। मैं तो चलिए भाई इससे बहुत सारे बर्तन साफ कर लेती हूँ। आप गर्जना नारी चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और आपके माइंड में कोई भी नया आइडिया है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ताकि हम उसका भी इस्तेमाल कर सकें। थैंक्स फॉर